हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वैलेंटाइंस डे, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। ये व्लॉग कल आएगा जब वैलेंटाइंस निकल चुका होगा। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले पूरी हलवा, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है। छोले मैंने ऑलरेडी बॉइल करके रख लिए हैं, टमाटर पीस लिए हैं, अनियन पीस लिया है और बना दिए है साथ ही में ग्रीन चटनी। तो बस अभी मैं छोले में तड़का देने ही वाली थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बात कर ली जाए आप लोगों से। वैलेंटाइन स्पेशल मैंने नेल्स किए थे, कैसे लगे बताना ज़रूर। और उसके साथ साथ आज हस्बैंड ने ली है वर्क फ्रॉम होम, कि घर पे रहेंगे, साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बैठ के बात ही नहीं हो पा रही है, मैं बिजी वो बिजी। तो बस आज का दिन है, तो हमने सोचा चलो बैठेंगे, घर पे रहेंगे। ऑल दो मेरी भी क्लासेस है, रूटीन मेरा भी बिजी है, तो शाम को लेट्स सी कहीं जाना होगा तो जाएंगे। सारी चीज़ बना के रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं। सो जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे छोले भी बन गए, हलवा भी बन गया, बस अब पूरियाँ उतारनी बाकी रह गई है। तो ये रहे हमारे छोले जो कि हमने बनाए हैं, और ये रहा हलवा, थोड़ा ही बनाया है, दे दिया है हस्बैंड को खाने के लिए, थोड़ा और है। साथ ही साथ हम पूरी के लिए कढ़ाई रख चुके हैं, तो पूरी बनाएंगे। छोले प्याज कट कर लिए, हरा धनिया कट कर दिया है, ताकि गरम गरम छोले में डाल के खाएं। तो यहाँ देखिए मैंने पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दी है, और ये बन गई है पूरी। अब फटाफट से थाली लगाते हैं और संदेश को देते हैं। तो ये हमारी थाली रेडी हो गई, हलवा, सब्जी, पूरी एंड चटनी। तो चलिए जी, दे के आते हैं पतिदेव को। ये लो संदेश, ये लीजिए आपका खाना, और खा के बताओ कैसा लग रहा है। चलिए जी, दीशू को देते हैं फटाफट से गरम गरम खाना, वो खाएगा गरम खाना। ये लो बेटा, संदेश कैसा है खाना? जबरदस्त, चटनी में मजा लग गया। बस चटनी अच्छी थी, चटनी में और मजा लग गया। सो जी, भूख बहुत जोर के लग रही थी, तो अपनी भी थाली में मतलब बना ली है। अब मैं बस जाके फटाफट से लंच कर लेती हूँ। तो जैसा कि आज बसंत पंचमी है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है, तो हम भी अब अभी बुक्स की पूजा करेंगे और माँ सरस्वती जी के हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना करेंगे। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। पूजा की सारी तैयारी कर दी थी मैंने, और वन बाय वन बुक्स की पूजा कर रही थी। और दीशु ने बोला मम्मा मुझे भी पूजा करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल अपनी बुक्स की पूजा आपको भी करनी चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते उठ के पहले पूजा करने लगा, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए भी, क्योंकि बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसका काफ़ी सारा वर्क था, तो बीच बीच में वो कंप्लीट भी करता जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रेशराइज़ करती हूँ, उसका खुद का मन भी होता है पूजा करने के लिए, और बहुत ही खुशी खुशी वो अपने बुक्स की पूजा कर रहा था। और भगवान जी से मैंने बोला प्रार्थना कीजिए कि आपको अच्छी बुद्धि अच्छी विद्या दे दे, तो बस वो उसी तरह से करता है, और रोज़ मेरे साथ वो पूजा करता है। आज की बात नहीं है कि आज एक कोई स्पेशल डे है इसलिए वो पूजा करे। बाकी जो सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए उसको बताया मैंने कि बुक्स में विद्या होती है, इसी से आप पढ़ के आगे बढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें समझा रही थी। साथ ही साथ मैंने भगवान की पूजा भी कर दी है। हमने कर दी है बुक्स की पूजा, और अब देखते हैं शाम को, सोच रहे हैं कहीं जाएं। दीशु को थोड़े से काम है और उसके लिए कुछ लेना है, तो उसको भी हम कुछ लेते हैं तो हम उसको भी कुछ ना कुछ दिलवाते हैं। तो आज उसको भी हम शायद फ्लिप फ्लॉप लेने का बोल रहा था, तो जो भी उसको चाहिए चलो उसको भी दिलवा देते हैं। आते हैं, हस्बैंड हेयर कट करवाने गए हैं, वो करवा के आते हैं, तो फिर हम निकलते हैं। सो हो गए जी रेडी जाने के लिए। अब आधे एक घंटे के लिए थोड़ा सा बाहर जाएं, और फिर
वापस आएंगे घर पे, क्योंकि दिशु का कल स्कूल है तो उसे जल्दी सुलाना भी होता है। यहाँ से खरीदे हैं मैंने जूते। सो हम लोग ने ले लिए हैं अपने शूज़, दिशु ने भी ले लिए हैं, मैंने भी ले लिए हैं और अब हम निकल गए हैं। सो जी फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं वापस और देखिए मैंने क्या लिया है। मुझे बहुत टाइम से वाइट शूज़ चाहिए थे क्योंकि मेरे वाइट शूज़ जो है वो ख़राब हो गए थे और वो मैंने रिजेक्ट कर दिए थे, तो मुझे बहुत टाइम से वाइट शूज़ चाहिए थे। तो ये है मेरा एक और वैलेंटाइंस गिफ्ट, तो ये देखिए। और उसी के साथ एक और चीज़ जो कि मुझे ज़रूरी थी, ये चाहिए थी, तो ये भी मुझे संदेश ने गिफ्ट किया है। सो आई लाइक माई शूज़। इसी तरह से था हमारा वैलेंटाइन, सभी गए थे डिनर के लिए, तो थोड़ा बहुत जो चटरपटर है जो कि हम सैलेड वगैरह खाते हैं। इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय एवरीवन, हैप्पी वैलेंटाइन डे।